मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म फन एकेडमी पर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इंटेलिजेंसी नेट के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फन एकेडमी पर जुड़ सकते हैं और आप सभी बच्चे तैयारी अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है। जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस हो रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए। ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। आपके पास ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं अनअकैडमी जैसा, जो कि आपको पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इतने बेहतरीन तरीके से आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयारी करवाए जा रहे हैं। और आप सभी बच्चों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको अपने बारे में देना चाहूंगा। सो एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड। आई एम स्पेशलाइज्ड फॉर सब्जेक्ट ऑफ इंटेक कॉमर्स एंड फॉर पेपर 1। एंड आप सभी स्टूडेंट्स अभी 101 कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और अगर आप फ्री प्लान चाहते हैं फ्री तरीके से पढ़ाई करना, तो भी आप इस कोड का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के लिए प्लस और आइकोनिक का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, कोर्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, पीडीएफ लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। अगर आप आइकोनिक का कोर्सेस लेते हैं तो आपको ये कुछ टॉप सब्जेक्ट के टॉप बेनिफिट्स के साथ जो कि प्लस में मिल रहे हैं, इसके साथ ही साथ आपको ये बेनिफिट भी मिलेंगे जिसमें आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एसओपीज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स है आइकोनिक के। ध्यान रखेंगे ABHI 101 ये एक ऐसा कोड है जिस कोड के थ्रू आपको, चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे आप आइकोनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आप सभी बच्चों को इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप देखिए नीचे देखिए अभी 101 इस कोड का इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, अभी आप लोगों को एक डेमो दिखा देता हूँ। तो ये कुछ बेनिफिट्स है प्लस आइकोनिक, इस चीज को पहले ध्यान रखना है और इसके बाद बात करते हैं कहाँ अप्लाई करना है। तो जैसे ये आपका पेज ओपन होगा, जैसे आप सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे होंगे तो आपको पास ये अमाउंट शो होगा आपके वैलिडिटी के साथ। यहाँ जहाँ आपको डेमो लाइव लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपको अपना कोड ये डालना है ABHI 101 और आपको फिर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते ही आपको 10% का डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रहे बेनिफिट्स प्लस के, तो ध्यान रखना है आप सभी बच्चों को। और इसके बाद बात करें बक्स बाउंटी की, तो आपके पास अवेलेबल है कुछ भी कंटेंट अगर आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर किसी भी एजुकेटर का, तो आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। आपको पर्टिकुलर इशू जो भी लगता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके। इसके बाद बात करते हैं स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल, जहाँ पे कुछ भी स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है, जहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए पोल आप हैंड रेस करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना है। डेली लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप सभी स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं क्लासेस में और आप सभी बच्चे किसी भी डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ अपकमिंग स्पेशल्स आपके पास रिकॉर्डेड स्पेशल्स अवेलेबल है, तो आप इनको जरूर देखें, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट बैच फॉर पेपर 1 2022 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो इन बैचेस को आप जरूर ज्वाइन करें, जो कि नवदीप कौर मैम, नवीन शेख सर और आदित्य विनोद आर्य मैम लेकर आ रही है। और आप सभी बच्चों के लिए लक्ष्य 2022 के लिए भी ये बेस्ट टॉप बैच टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लॉन्च हो चुका है, तो आप इनको जरूर से जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास को। कुछ क्वेश्चंस तो हमारे आई थिंक हो गए थे, अब कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास को। चलिए चलिए तो फटाफट आ जाएं सभी लोग, जब तक हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सभी बच्चे लोग आ जाए ज्वाइन कर लें क्लासेस को। आई थिंक हमने कहां तक कर लिया था, नहीं ये नहीं किया था आई थिंक ना, ये चलिए तो ये आपका बल्कि सही होगा आंसर।
चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन 15 तक कर लिया था, 15 क्वेश्चन, अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं भाई अपने सीरीज को, क्वेश्चन नंबर मतलब 15 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रहा है हमारा, टॉप 50 क्वेश्चंस का सीरीज, तो ये आपका स्टार्ट हो गया। तो चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे, यूनिवर्सिटी टीचर एडमिनिस्टर्स अ सेल्फ मेड टेस्ट फॉर समेटिव इवैल्यूएशन ऑफ हिज और हर स्टूडेंट्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट इज फाउंड टू बी पॉजिटिवली स्किव्ड। एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपने छात्रों के युगात्मक मूल्यांकन के लिए एक स्वनिर्मित परीक्षा का संचालन करता है। छात्रों को अंकों का वितरण सकारात्मक रूप से विषम पाया गया है। The test is too much easy for student, इसलिए ये test is too much difficult for student, ये too much quite interesting to the student, बहुत दिलचस्पी मतलब बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया गया, या द टेस्ट इज फेवरिंग दोज स्टूडेंट्स हु आर लो रैंकर, जो कम रैंकर वाले होते हैं। तो क्या लगता है आपको, द टेस्ट इज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स? तो जल्दी से फटाफट आंसर देंगे, क्यों ऐसा किया गया है, मतलब पॉजिटिवली इसको विषम पाया गया है अगर उसको, तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारा टेस्ट डिफिकल्ट बना सकते, जितना देखो अगर शुरू में हमारी अगर पीठ स्टार्टिंग मजबूत है, फिर कोई धोखा दे, चाहे आपको पीठ से थपथपाए, चाहे आपको मारे, चाहे वो आपको शाबाशी दे, दोनों में ही आपकी पीठ अगर मजबूत रहेगी तो आप कभी भी गिरेंगे नहीं लाइफ में, है ना? क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, अगर पीठ को मजबूत रखेंगे, इसलिए अगर स्टार्टिंग में कड़ी मेहनत रखेंगे, डिफिकल्ट डिफिकल्ट टेस्ट सॉल्व करेंगे, डिफिकल्ट डिफिकल्ट आपको अगर पेपर सॉल्व करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा, है ना? तो ये बड़ा जरूरी है। क्लियर है आप सभी बच्चों को? तो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट 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 का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बहुत कठिन कठिन सवाल, डिफिकल्टीज में वो भी आ जाते हैं कि आपके जो लो रैंकर्स होते हैं उनके लिए भी कुछ वैसे क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए तो भाई लो वाले पेपर भी डिफिकल्ट लगे क्योंकि लो रैंकर्स हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप परेशान ना हो। डिफिकल्ट का मतलब ये हुआ कि बच्चों को एक अच्छा स्किल के साथ बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर दिया जाए कि हाँ किसी भी तरीके का अगर कोई एग्जाम हो तो आप इनको ये क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कोठारी आयोग ने, कोठारी कमीशन हैड रिकमेंडेड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम टू बी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, व्हाट वाज दैट परसेंटेज? कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय आय का एक निश्चित प्रतिशत शिक्षा में निवेश करने की सिफारिश की थी, वह प्रतिशत क्या था? 10%, 8%, 6% या 5%? आपको क्या लगता है कितना परसेंट था भाई, जल्दी से बताएंगे। क्या लगता है, 10%, 8%, 6% या फिर 5%? कोठारी आयोग ने राष्ट्र आय का एक निश्चित प्रतिशत शिक्षा में निवेश करने की सिफारिश की थी, वह कितने प्रतिशत का था? तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे भाई, क्या आंसर होगा आप सभी स्टूडेंट्स का? चलिए 7 सेकंड्स बचे हुए हैं, 6 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, और ये रहा आपका आंसर 3, 6%। 6% रखा गया था, कितना? 6% रखा गया था वो नेशनल इनकम का, जो कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना है। कोठारी कमीशन में यही रिकमेंड किया गया था कि एजुकेशन के प्रति आपके राष्ट्रीय आय का आप कम से कम 6% भैया इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है? क्या कीजिए, 6% कम से कम इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ मेन एम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है, बिल्कुल कोई बच्चा ये भूलेगा नहीं, स्किप नहीं करेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Find out the correct chronological order of the following educational communication ventures in India. भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संचार उपक्रमों का सही कालानुक्रमिक क्रम ज्ञात कीजिए। कृषि दर्शन, ज्ञान दर्शन, व्यासो या फिर ज्ञान वणिक, तो कौन सा ज्ञान वणिक, मतलब चलिए फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा, जल्दी से। किसी बच्चे को कहीं भी अगर कोई भी अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। स्वाहा। चलिए तो 4 will be your right answer, A, D, B, C. कृषि दर्शन, ज्ञानवाणी, फिर इसके बाद ज्ञान दर्शन, इसके बाद व्यासो, ठीक है? तो यहां आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है? हमेशा ध्यान रखें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या रहा है आपके एजुकेशन कम्युनिकेशन वेंचर के हिसाब से,
तो सबसे पहले आपको दिया गया है भाई कृषि दर्शन, फिर इसके बाद आपको दिया गया है ज्ञानवाणी, इसके बाद आपको क्या दिया गया है ज्ञानवाणी, फिर इसके बाद आपको दिया गया है ज्ञान दर्शन ज्ञानवाणी, था कंफ्यूज में, पहले ज्ञानवाणी है फिर इसके बाद ज्ञान दर्शन है, ठीक है, ज्ञान दर्शन, फिर इसके बाद लास्ट में आपका आता है व्यास, क्लियर है, ये चार, कृषि दर्शन, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, इसके बाद व्यास, ध्यान रखना है, कभी भूलना नहीं है, ज्ञान सबसे पहले कृषि दर्शन, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, इसके बाद व्यास, कभी भूलना नहीं है, के जी जी इसके बाद भी। अच्छा अभी इसमें बच्चे कहना सर पहले ज्ञान दर्शन आएगा कि पहले ज्ञानवाणी आएगा, तो ज्ञानवाणी पहले आएगा, क्यों 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 क्यों, इसका कोई ट्रिक निकाले, वो इसलिए आएगा क्योंकि वी बड़ा होता है तो वी पहले आएगा, वी आगे आता है ना, अरे वी आगे आता है वनी का, सोचो ना ऐसे करके, है ना, चलो ठीक है, छुटकू है ना, छुटकू को आगे कर देते हैं, चलो ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, क्या नाम है, कृषि दर्शन, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, इसके बाद व्यास, ठीक है, अब चार बार बता दिए तो वैसे भी नहीं भूलोगे आप लोग, चलिए लाइक शेयर सभी लोग करते जाएंगे क्लासेस को, जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे सभी बच्चे लोग क्लासेस को जरूर लाइक शेयर करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कॉलेजेस इज प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर क्रिएटिंग वर्क रेडी, निम्न में से किस श्रेणी के कॉलेज मुख्य रूप से कार्य तैयार करने के लिए अभिप्रेत है, ऑटोनोमस कॉलेज, कम्युनिटी कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज या टेक्निकल कॉलेज, निम्न में से किस श्रेणी के कॉलेज मुख्य रूप से कार्य तैयार करने के लिए अभिप्रेत हैं भैया, ऑटोनोमस कॉलेज, कम्युनिटी कॉलेज, एग्रीकल्चरल कॉलेज या फिर टेक्निकल कॉलेज, सो आंसर कौन सा सही होगा एक बार आप सभी बच्चे लोग हमें तो जरा बता दीजिए। जैसे उसमें कहता है इंजीनियर अगर आप भी हैं तो इंजीनियर हम भी हैं, सुना होगा आप लोगों ने, वो बताते नहीं, वो जो एक सच तक करके कोई चैनल है ना, सच तक करके, तो उसमें कोई मनीष जी करके ना, मनीष जी है ना, तो क्या करते हैं, अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर हम भी हैं, और आप गलती करते रहेंगे तो हम गलती बताते रहेंगे, हालांकि इसको दूसरे तरीके से बोलता है वो, लेकिन हम उसको यहाँ पे नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ थोड़ा सा अलग ही हो जाएगा, लेकिन गजब बोलने का तरीका है, मतलब सच को दिखाने, जैसे चैनल का नाम रखा गया है सच तक, तो सच चीजें दिखाता भी है और बहुत सही चीज बताते हैं। मनीष आगे नाम नहीं जाता, मनीष कुमार करके है क्या शायद, तो आपका कम्युनिटी कॉलेज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, अगर आप इंजीनियर हैं तो हम भी इंजीनियर हैं। Which of the following categories college primarily intended for creating work ready, तो कम्युनिटी कॉलेज का ये कार्य होता है, तो आंसर टू आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज नेम्ड बिलो कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेज वर इनिशिएटेड इन 1962, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के नाम नीचे दिए गए हैं, 1962 में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे, बताइए, चलिए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, कैलकटा या फिर दिल्ली, विच ऑफ द यूनिवर्सिटीज नेम्ड बिलो कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेज वर इनिशिएटेड 1962 में, कॉरेस्पोंडेंस कोर्स, कॉरेस्पोंडेंस कोर्स का मतलब समझते हैं, जो आपकी ओपन तरीके से पढ़ाई कर, मतलब ओपन लर्निंग जो करवाते हैं, मतलब जो यूनिवर्सिटी होती है ना, सबसे पहले किसने करवाया, ओपन लर्निंग है ना, कि कॉरेस्पोंडेंस से बच्चे काफी तैयारी करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और अपनी तैयारी भी करते रहते हैं, जो बच्चे कुछ बच्चे होते हैं कि कॉरेस्पोंडेंस, जैसे कि एक तो अच्छा रिजल्ट आता है तो आपका ऑब्वियसली वो रेगुलर बेसिस पे आपके कॉलेजेस में हो जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, चाहे आप मद्रास हो, बॉम्बे, कलकत्ता या दिल्ली, बट अगर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होते हैं जो कि कॉरेस्पोंडेंस से भी दे देते हैं, कि बच्चे का परसेंटेज अगर अच्छा नहीं है और पास है बच्चा, तो वो ओपन से पढ़ाई कर सकता है और अपने साथ ही साथ किसी चीज की तैयारी कर सकता है, है कि नहीं है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, इसने सबसे पहले, मतलब डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले इस चीज को निकाला था 1962 में, कि वो कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेस स्टार्ट कर सकते हैं, कॉरेस्पोंडेंस से बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज लिबरल एजुकेशन एट द हायर लेवल इन फेडरल सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, सामंत होगा ना फिर तो, हाँ सामंती, फ्यूडल फ्यूडल सोसाइटी ऑफ यूरोप वाज क्लासिफाइड अंडर ट्रिवियम, यूरोप के सामंती समाज में
उच्च स्तर पर उदार शिक्षा के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्रों को ट्रिवियम के तहत वर्गीकृत किया गया था? ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर या लॉजिक या रेटरिक, बयानबाजी। चलिए भैया जल्दी से थोड़ा बताया दीजिए, अगर आप इंजीनियर हैं तो हम भी इंजीनियर हैं। चल तो चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा भाई जल्दी से फटाफट। हाँ देखो मनीष कश्यप नाम था उनका, हाँ याद है ना, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप। थ्री आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, सी डी ई विल बी योर राइट आंसर, केवल सी डी ई, ठीक है, थ्री आपका बिल्कुल सही है, ग्रामर, लॉजिक और रेटरिक, ठीक है, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, तभी देखो इन दोनों पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर, सी डी एंड ई, दिस विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजुकेशन इंपोर्टेड through institutions of higher learning in India such as Sanskrit Vidyapeeth is an example of, भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों जैसे संस्कृत विद्यापीठ के माध्यम से आयातित शिक्षा किसका उदाहरण है? नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स या प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स। सो क्या होगा आपका आंसर फटाफट बताइए बेटा, जितना समय दिया जा रहा है आप लोगों को उस समय के अंदर आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है, जितना समय आप लोगों को दिया जा रहा है उस समय के अंदर अंदर आंसर करना है। कोशिश यही करना है आप लोगों को कि आप पहले आंसर कर दें, क्योंकि ये बहुत एडिक्वेट टाइम दिया जा रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम लगता है। अभी से अगर कहते हैं ना कि अगर अभी से पीठ मजबूत करेंगे तो कोई चाहे आपकी पीठ थपथपाए, चाहे शाबाशी दे, चाहे वो आपको मारे, चाहे धोखा दे, मजबूत रहेगा पेट तो कभी गिरेंगे नहीं, तो इसलिए अभी से मजबूत अगर पेट करेंगे, अभी से अगर मजबूती लगेंगे अपने पेपर के लिए, तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आप कभी अपने आप को पीछे नहीं पाएंगे, आंसर जरूर करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसा उससे जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड पूछ लिया जाए, या फिर ऐसा हो कि आपने वो पढ़ा नहीं हो, तो हो सकता है कि आप इतना पढ़ चुके हो कि आप उसका एज ए हिंट की तरह आंसर सही कर जाओ, मतलब लगे कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है। तो ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स ये आपका बिल्कुल सही, संस्कृत विद्यापीठ का जो एग्जांपल है वो किसका है, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स के लिए है। और हायर एजुकेशन की अगर बात चल ही रही है तो आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, हायर एजुकेशन के लिए, और मैं कहूं कि मेरे सारे एजुकेटर्स जो कि टॉप एजुकेटर्स मिल गया मेरे साथ, और मिलकर हम एक पूरा कंप्लीट पेपर वन का बैच लेके आ रहे हैं, आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, कंप्लीट पेपर वन का बैच ला रहे हैं, तो आप उनको ज्वाइन करना जरूर नहीं भूले, पूरा कंप्लीट जो बार, लेकिन हाँ वो 2022 के लिए होगा, जो भी बच्चे तैयारी करेंगे 2022 जून अटेम्प्ट के लिए, जून अटेम्प्ट के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये बैच, ठीक है, जून अटेम्प्ट वालों के लिए, पहले ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, ये जून अटेम्प्ट वालों के लिए है, तो इसलिए ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा का निम्न में से कौन सा तरीका विकास का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोडेलिटी ऑफ हायर एजुकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, टीचर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, लीगल एजुकेशन या फिर डिस्टेंस एजुकेशन। जल्दी से थर्ड कैसे, किस वाले क्वेश्चन का भाई, इस वाले क्वेश्चन का क्या लिखा है, द एजुकेशन इंपोर्टेड थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन इंडिया सच एज संस्कृत विद्यापीठ इज एन एग्जांपल ऑफ ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम, सही तो है, क्या दिक्कत है भाई इसमें, देखो अरे क्यों, अरे ओरिएंटल लर्निंग का मतलब क्या, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स के अंदर क्या किया जाता था कि आपके जो भी इंपोर्टेड मतलब अपने कल्चर्स, अपने लिटरेचर है उनके बारे में तो हम पढ़ते थे, ओरिएंटल लर्निंग मतलब जो भी हम इंडोजेनिक थिंग्स हैं या फिर इंडिजिनियस थिंग्स हैं उनकी, उन चीजों के बारे में पढ़ते थे और हम उन चीजों के बारे में मतलब अपना ज्ञान लेते थे।
कि आपके जो भी लिटरेचर है, जो आपके इंडिजिनियस लिटरेचर, इंडिजिनियस कल्चर, उनको आप ज्यादा ज्यादा वो करते थे। अच्छा एक बार वो वाला क्वेश्चन, ये वाला हो गया ना, इसका आंसर आ गया था ना, इसका आंसर आ गया होगा। तो फोर इसका डिस्टेंस एजुकेशन आपका बिल्कुल सही आंसर। एक बार देखो क्वेश्चन क्या था, पहले इसको देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग मोडलिटी ऑफ हायर एजुकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो डिस्टेंस एजुकेशन या आपको ज्यादा स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा का निम्न में से कौन सा तरीका विकास का उदाहरण रहा है, ठीक है? लेकिन ये मुझे नहीं लगता विकास का उदाहरण डिस्टेंस एजुकेशन रहा है, विकास का उदाहरण टेक्निकल एजुकेशन रहा है, ठीक है? ये ज्यादा बेटर है, ठीक है? डिस्टेंस एजुकेशन मुझे नहीं लगता, टेक्निकल एजुकेशन ये आपका मुझे सही लगता है। एक बार इसको चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, टेक्निकल एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन, विकास का उदाहरण पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा विकास का उदाहरण रहा है। ये टर्म्स में एक बार थोड़ा समझने को, मोडलिटी ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन की मोडलिटी की बात कर रही है, कर रहा है। तो क्वेश्चन जहां तक आपका टेक्निकल एजुकेशन रहना चाहिए, बाकी एक बार चेक कर लिया जाएगा कि इसका आपका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। As per the recent All India Survey on the higher education, the gross enrollment ratio in higher education for the year 2018-19 in India is 24.6, 25.6, 26.6, sorry 26.3 या फिर 27.8। So क्या होगा आंसर? फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा, आप सभी बच्चे लोग। चलो चलिए, तो 3 विल बी योर राइट आंसर, दैट इज 26.3%, 26.3% दिस विल बी योर राइट आंसर। ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन रहा है। चलो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इस चीज के लिए आप एकदम बेफिक्र रहे, अगर गलत भी आंसर करें कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी अगर दिया जा रहा है तो उसकी तैयारी मतलब होना तो जरूरी है भाई। चलो यूजीसी पोर्टल एस स्टार्ट्स इज फॉर, यूजीसी पोर्टल एस स्टार्ट्स किसके लिए है? स्पेशल असिस्टेंट फॉर रिसर्च इन टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, स्पेशल असिस्टेंट फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन साइंसेस, सपोर्ट फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च ट्रेनिंग इन सोशल साइंसेस, या स्कॉलरशिप फेलोशिप अवार्ड रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म, है क्या है फुल फॉर्म? चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा भाई। यूजीसी पोर्टल S starts is for, portal S starts किसके लिए है? Special assistant for research in technology and sciences, so scholarship fellowship award registration tracking system। तो ये आपका बिल्कुल चलो तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, तो डी आपका विल बी योर राइट आंसर, स्कॉलरशिप फेलोशिप अवार्ड रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, स्कॉलरशिप फेलोशिप अवार्ड रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, दिस विल बी योर राइट आंसर। और आपको मैं जब वो करवाऊंगा थ्योरी करवाऊंगा, तो उसमें कुछ आपके टर्म्स भी के टर्म्स के फुल फॉर्म भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है? तो उस चीज के लिए एकदम बेफिक्र रहे आप लोग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग
which state or union territory had the maximum number of graduates in relation to its population? Population की comparison में 2011 के census के हिसाब से कोई भी state या union territory इसमें से आपको लगता है कि जो population की terms में graduation के number of करने वाले graduates जो हैं किससे ज्यादा है, maximum किसका है? उत्तर प्रदेश, केरला, दमन, दीव या फिर चंडीगढ़? चंडीगढ़, ठीक है, 26 का चंडीगढ़, डी विल बी योर राइट आंसर, 26 का डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो 27 क्या है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। द फुल फॉर्म ऑफ नीट आर रिसेंटली लॉन्च स्कीम फॉर MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत इजी क्वेश्चन और इसका मैंने बताया था आपको एक बार, और क्वेश्चन ही करवा चुका हूं मुझे पता है, और उम्मीद करता हूं इसका आप सही उत्तर देंगे, NEET नीट का फुल फॉर्म, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, इसमें तो कम समय लगना चाहिए भाई आप लोगों को, एक मिनट से बिल्कुल कम लगना चाहिए, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। चलिए 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है नीट का फुल फॉर्म, और इसके पहले भी आपको करवाया गया है ये वाला क्वेश्चन, तो 100% मुझे आंसर चाहिए। जो बच्चा भी हो सकता है इस क्लास में न्यू हो वो भले से बच्चा थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक कर जाए, बट मुझे लगता है आप लोग सही आंसर देंगे। चलिए चलिए बहुत बढ़िया क्या बात है, जिसका आंसर 2 आ रहा है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, जिन बच्चों का आंसर ये 2 आ रहा है टेक्नोलॉजी, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ठीक है, टेस्टिंग टेस्ट के बारे में नहीं, एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, बी विल बी योर राइट आंसर, प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन, यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किस राज्य में योग विज्ञान के लिए एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित किया गया है भाई? एन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेस हैज बीन सेट अप बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज द स्टेट ऑफ, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किस राज्य में योग विज्ञान के लिए एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित किया गया है? चलिए बताएंगे फटाफट क्या होगा आंसर, चलो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, कर्नाटका, आंसर आते ही आपको मैंने बताया ए आपका बिल्कुल राइट आंसर, दैट इज कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में मतलब स्टेट है आपका, ठीक है, नहीं ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज कर्नाटका, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेस, ठीक है, योग विज्ञान, योगिक साइंस, योगिक बोल रहा हूँ मैं, योगिक साइंस है, सॉरी, ठीक है, यूजीसी के द्वारा इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेस हैज बीन सेट अप इन यूनिवर्सिटी यूजीसी के द्वारा आपका ये भी सेट अप किया, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आंसर कीजिएगा, ठीक है, कर्नाटक है। Which of the following ICT initiatives of MHRD deal with e-governance for institutions and universities? MHRD के निम्नलिखित में से कौन सी ICT पहल संस्थानों विश्वविद्यालयों के लिए e-governance से संबंधित है? समर्थ, विद्वान, IRNIS या फिर IRINS या फिर स्वयं?
क्या लगता है क्या होगा आंसर? चलिए फटाफट बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इनिशिएटिव्स एमएचआरडी डील विद द गवर्नेंस फॉर द इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज। एमएचआरडी के निम्नलिखित में से कौन सी आईसीटी पहल संस्थान विश्वविद्यालयों के लिए ई गवर्नेंस से संबंधित है? चलिए शांत रहिए, चलिए तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका आंसर आप सभी बच्चों का? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेटी इनिशिएटिव्स ऑफ द एमएचआरडी डील विद द ई गवर्नेंस फॉर इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसका आंसर तो आप लोगों का आ गया है, समर्थ विल बी योर राइट आंसर। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन? उम्मीद करता हूँ हिंदी वाले जल्दी से, हिंदी वालों को शो हो रहा होगा प्रॉपर तरीके से। चलिए फटाफट बताएंगे क्या है आंसर। टू विल बी योर राइट आंसर, दो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टू विल बी योर राइट आंसर, दो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बफरिंग नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है। Two will be your right answer. That is modular object oriented dynamic learning environment. This will be your right answer. Modular object oriented dynamic learning environment. Modular object oriented dynamic learning environment. ठीक है? This will be your right answer. तो दो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं आप सभी बच्चों के लिए। बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी स्टूडेंट्स के लिए बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए तो अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है आप सभी बच्चों के लिए तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर दिक्कत होता है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप लोग लाइक जरूर कर देंगे वीडियो को, ध्यान रखेंगे आप लोगों को लाइक जरूर कर देना है अगर वीडियो पसंद आई हो। और आप सभी बच्चे इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी आपको ये लगे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो आप इस कोड का इस्तेमाल करके फ्री प्लान अनलॉक कर सकते हैं, फ्री प्लान अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। 10% का आपको इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप कोर्स को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोर्स को परचेज कर रहे हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये रहा आज की आपकी क्लास, उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को पसंद आया होगा। तो सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं आप सभी बच्चों से एक शानदार से एक छोटे से ब्रेक के बाद एक प्यारे से क्लास में मिलते हैं आप सभी बच्चों से। जब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ख्याल रखें, बढ़िया से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।